अस्सलाम वालेकुम एसक्यू 112 बकर बस्ती गुल शाह की तरफ गाड़ी मूव कराएं। लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें हमने टोटल जो पिछले 90 दिनों में कॉल स्टैंड की हैं, टोटल कॉल 146,338 हमें रिसीव हुई हैं। इसमें से जो इमरजेंसी कॉल थी वो सिर्फ थी 2,977 और इनमें आरटीए की रेशो हमारी बढ़ गई है, इसलिए है 497। क्राइम कॉल इसमें खासा इजाफा हुआ, ये 94 रहा है। अब 94 में से जो सबसे ज़्यादा रेशो रही 45 वायलेंस केस हैं, तो शायद लॉकडाउन में लोग फ्री थे तो ये इस वजह से वायलेंस केस हमारे ये रेशो कुछ बढ़ी है। इन वायलेंस केसेज में भी जो टोटल पेशेंट बने हमारे पास वो है 137, इसमें 95 मेल हैं और 42 फीमेल हैं और 3 की इसमें डेथ भी हुई है। ड्रोनिंग केस 13 हैं। टोटल जो पेशेंट हमने इसको रेस्क्यू किया पिछले 90 दिनों में 2,939। अब इसमें जो रेशो हमारी मेन बढ़ गई वो थी एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट में रेशो जो हमारे ये 497 एक्सीडेंट थे और इसमें टोटल हमने 513 मरीजों को रेस्क्यू किया है। इसमें 370 मेल थे और 143 फीमेल थे और सबसे ज़्यादा जो रेशो इसमें गाड़ियों की जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो रही है बाइक की। अब 517 केसेस सिर्फ बाइक के हैं जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी हुए हैं और इनमें फिर अगर हम एज वाइज देखा जाए तो इसमें 1 से 10 साल के 31 किड्स शामिल हैं। अब ये वो लोग हैं जो बाइक नहीं चला सकते, तो मेरा मैसेज भी आपके ज़रिए मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे हमने मार्केट लॉकडाउन कर दी, सोशल डिस्टेंस का कहा, स्कूल बंद कर दिए गए, उसकी वजह यही थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब एक्सीडेंट की ये रेशियो या बच्चों की ये रेशियो 1 साल से लेकर 10 साल तक जो जख्मी हुए हैं वो ये बता रही कि बच्चे भी बाहर रोड पे आ रहे हैं। और दूसरा, अगर आपने कहीं पर जाना है तो मोस्टली ये देखा जाता है कि रोड खाली हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पिछले दिनों बंद रही है, उस वजह से जो हमारी काजेज आ रही हैं एक्सीडेंट की वो आ रही ओवर स्पीड की, कि रोड खाली हैं जो यंग लोग हैं वो उसकी स्पीड लगाते हैं। अब 497 केसेज में से 389 केसेस सिर्फ ओवर स्पीड के हैं, कि ओवर स्पीड की वजह से हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ओवर स्पीड से अवॉइड करें। अभी इन पिछले 90 दिनों में ही 10 लोगों के एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी है। तो बाकी जो रेशो इसमें ज़ख्मी होने की है वो है 21 से 30 साल, ये 182 रही है, 182 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस जो टोटल हमारे विक्टम थे 513 में से 182 हमारे एज यंग लोग हैं 21 से 30 साल के। अब इनमें ये है, देखें कि हम वो लोग कह रहे हैं घर में बैठे, मैसेज हमारा यही है कि गैर ज़रूरी ना जाएं, लेकिन हम में से कुछ नौजवान इस मैसेज को थोड़ा सीरियस नहीं लेते, वो अपनी गैदरिंग में या पार्टी में लग जाते हैं या अपनी कहीं पर बैठे कर ले, घर बैठे बोर हो रहे हैं हम, तो सबसे रिक्वेस्ट यही है। तो जब तक हमारा सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रहेगा तब तक कोरोना को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे। अपना मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें अगर आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप घर में हैं वायरस आपके घर में नहीं आ सकता। जब भी वायरस आपके घर में आना है आपने खुद लेके आना है, जो बाहर से आएगा वो वायरस लेके आएगा, वायरस ऑटोमेटिकली खुद चल के घर नहीं आ सकता, इसीलिए घर में रहें, महफूज रहें, यही हमारा पैगाम है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त से हमारे पास जो एक इमरजेंसी है क्राइम की इमरजेंसी, उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी इमरजेंसीज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़, वो तो कम हो चुकी हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट की रेशो है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा हमारे पास जो कॉल्स रिसीव होती हैं वो डिस्टर्बिंग कॉल्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं इस दौरान में, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो एक है, सबको इसका इलम है कि क्यों ये लॉकडाउन किया गया, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा जो ये वक्त है इनके पास काम करने को, तो उनके पास कोई ऐसा है नहीं, और फिर वो घर में हैं, फ्री हैं, तो वो यही सोचते हैं कि फिर हम कॉल्स कर लें किसी को। ज़्यादातर 112 का नंबर है वो फ्री है, एक इमरजेंसी नंबर है, तो जो सहूलत दी गई है पूरी एक पाकिस्तानी कौम को, लेकिन हमारे पास इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉल्स वसूल हो रही हैं। वो घर में फ्री बैठे होते हैं, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं 112 डायल करके, जिसकी वजह से हमारे पास कॉल्स आती हैं और जो एक एक्चुअल इमरजेंसी हमने डील करनी होती है, उस पर हमने एम्बुलेंस को मूव करवाना होता है, वो हमारी इमरजेंसी रह जाती है। तो इस मौके पे मैं ये मैसेज दूंगा तमाम लोगों को कि इस चीज़ का खास ख्याल करें कि रेस्क्यू 112 का जो 112 एक इमरजेंसी डायलिंग नंबर है, आप सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में उसको डायल करें, किसी और फजूल उसमें उसको डायल ना करें, क्योंकि इसमें हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और जो लोग हैं उनका भी एक जो है ना एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हमारी तरफ से।